में मिलन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इसमें कांग्रेस के वरिष्ठ नेता मानस सिन्हा ने अपने कई कार्यकर्ताओं के साथ बीजेपी में शामिल हुए। तो वहीं इस अवसर पर उन्होंने कहा है कि मैं 27 साल कांग्रेस पार्टी में सेवा देने के बाद प्रधानमंत्री मोदी से प्रभावित होकर के भाजपा में शामिल हो रहा हूं। मैं किसी सत्ता के लालच से नहीं आया हूं, मैं एक पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में कार्य करूंगा। और आज उनको भारतीय जनता पार्टी परिवार में स्वागत करता हूं। आने वाले दिनों में राज्य हित में जो इन्होंने इस संकट की घड़ी में एक बड़ा निर्णय लिया है, उसके लिए भारतीय जनता पार्टी परिवार इनका अभिनंदन करता है, बहुत बहुत स्वागत करता है, आप सबका स्वागत करता है। क्योंकि आज कार्यक्रमों का एक व्यस्तता है, मैं इतना ही आपसे कहना चाहूंगा, भारतीय जनता पार्टी झारखंड के लिए समर्पित है और झारखंड की जनता चाहे जहां रहती हो, चाहे जिस वर्ग में रहती हो, सबके लिए भारतीय जनता पार्टी अपने राजनीतिक नैतिकता के साथ दायित्व का निर्वहन करने वाली पार्टी है। और झारखंड की भला करने के लिए आज मानस जी हमारे परिवार में शामिल हुए हैं, फिर से एक बार उनको अभिनंदन। आप सभी बंधुओं को मेरा कोटि कोटि अभिनंदन। मैंने जिस पार्टी जो पार्टी छोड़ के आया हूं, मैंने उसको 27 साल अपनी सेवा दी, लेकिन वहाँ पे कार्यकर्ताओं का मान सम्मान अब कुछ नहीं बचा। तो मैं आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, जो पूरे विश्व के नेता हैं, अब मैं उस पार्टी में आया हूँ और मैं मीडिया के सामने ये बोला, मैं कोई किसी पद की लालसा या कोई टिकट की लालसा से नहीं आया हूँ। मैंने 27 साल इस पार्टी में संगठन को मजबूत करने का काम किया है और रिजल्ट भी दिया, लेकिन वहां काम का वैल्यू नहीं है। और मुझे लगता है कि यहां इस पार्टी में कार्यकर्ताओं के का वैल्यू है, काम का उनका मापदंड है। तो मैं आप सबों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि आप सबों ने मुझे इस परिवार में शामिल किया। आपको कोई अच्छा परिवार का, जो हम लोग ब्लू कार्ड बोलता हूं, आपका पिता कोई अच्छा परिवार को हो, दादा कोई अच्छा परिवार से है, जो मंत्री रहे, पहले विधायक रहे, सांसद रहे या मुख्यमंत्री रहे, तब भी आप टिकट मिल सकता है। तीसरा, आप टिकट मिल सकता है जब आप मोदी जी के लिए अभद्र भाषा का व्यवहार करते हैं। हर सभा में आप नरेंद्र मोदी जी के लिए अभद्र भाषा व्यवहार कीजिए, तब भी आपको टिकट मिल सकता है। सर, कांग्रेस में टिकट में मिलन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इसमें कांग्रेस के वरिष्ठ नेता मानस सिन्हा ने अपने कई कार्यकर्ताओं के साथ बीजेपी में शामिल हुए। तो वहीं इस अवसर पर उन्होंने कहा है कि मैं 27 साल कांग्रेस पार्टी में सेवा देने के बाद प्रधानमंत्री मोदी से प्रभावित होकर के भाजपा में शामिल हो रहा हूं। मैं किसी सत्ता के लालच से नहीं आया हूं, मैं एक पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में कार्य करूंगा। और आज उनको भारतीय जनता पार्टी परिवार में स्वागत करता हूं। आने वाले दिनों में राज्य हित में जो इन्होंने इस संकट की घड़ी में एक बड़ा निर्णय लिया है, उसके लिए भारतीय जनता पार्टी परिवार इनका अभिनंदन करता है, बहुत बहुत स्वागत करता है, आप सबका स्वागत करता है। क्योंकि आज कार्यक्रमों का एक व्यस्तता है, मैं इतना ही आपसे कहना चाहूंगा, भारतीय जनता पार्टी झारखंड के लिए समर्पित है और झारखंड की जनता चाहे जहां रहती हो, चाहे जिस वर्ग में रहती हो, सबके लिए भारतीय जनता पार्टी अपने राजनीतिक नैतिकता के साथ दायित्व का निर्वहन करने वाली पार्टी है। और झारखंड की भला करने के लिए आज मानस जी हमारे परिवार में शामिल हुए हैं, फिर से एक बार उनको अभिनंदन। आप सभी बंधुओं को मेरा कोटि कोटि अभिनंदन। मैंने जिस पार्टी जो पार्टी छोड़ के आया हूं, मैंने उसको 27 साल अपनी सेवा दी, लेकिन वहाँ पे कार्यकर्ताओं का मान सम्मान अब कुछ नहीं बचा। तो मैं आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, जो पूरे विश्व के नेता हैं, अब मैं उस पार्टी में आया हूँ और मैं मीडिया के सामने ये बोला, मैं कोई किसी पद की लालसा या कोई टिकट की लालसा से नहीं आया हूँ। मैंने 27 साल इस पार्टी में संगठन को मजबूत करने का काम किया है और रिजल्ट भी दिया,
लेकिन वहां काम का वैल्यू नहीं है। और मुझे लगता है कि यहां इस पार्टी में कार्यकर्ताओं के का वैल्यू है, काम का उनका मापदंड है। तो मैं आप सबों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि आप सबों ने मुझे इस परिवार में शामिल किया। आपको कोई अच्छा परिवार का, जो हम लोग ब्लू कार्ड बोलता हूं, आपका पिता कोई अच्छा परिवार को हो, दादा कोई अच्छा परिवार से है, जो मंत्री रहे, पहले विधायक रहे, सांसद रहे या मुख्यमंत्री रहे, तब भी आप टिकट मिल सकता है। तीसरा, आप टिकट मिल सकता है जब आप मोदी जी के लिए अभद्र भाषा का व्यवहार करते हैं। हर सभा में आप नरेंद्र मोदी जी के लिए अभद्र भाषा व्यवहार कीजिए, तब भी आपको टिकट मिल सकता है। सब कांग्रेस में टिकट में मिलन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इसमें कांग्रेस के वरिष्ठ नेता मानस सिन्हा ने अपने कई कार्यकर्ताओं के साथ बीजेपी में शामिल हुए। तो वहीं इस अवसर पर उन्होंने कहा है कि मैं 27 साल कांग्रेस पार्टी में सेवा देने के बाद प्रधानमंत्री मोदी से प्रभावित होकर के भाजपा में शामिल हो रहा हूं। मैं किसी सत्ता के लालच से नहीं आया हूं, मैं एक पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में कार्य करूंगा। और आज उनको भारतीय जनता पार्टी परिवार में स्वागत करता हूं। आने वाले दिनों में राज्य हित में जो इन्होंने इस संकट की घड़ी में एक बड़ा निर्णय लिया है, उसके लिए भारतीय जनता पार्टी परिवार इनका अभिनंदन करता है, बहुत बहुत स्वागत करता है, आप सबका स्वागत करता है। क्योंकि आज कार्यक्रमों का एक व्यस्तता है, मैं इतना ही आपसे कहना चाहूंगा, भारतीय जनता पार्टी झारखंड के लिए समर्पित है और झारखंड की जनता चाहे जहां रहती हो, चाहे जिस वर्ग में रहती हो, सबके लिए भारतीय जनता पार्टी अपने राजनीतिक नैतिकता के साथ दायित्व का निर्वहन करने वाली पार्टी है। और झारखंड की भला करने के लिए आज मानस जी हमारे परिवार में शामिल हुए हैं। फिर से एक बार उनको अभिनंदन, आप सभी बंधुओं को मेरा कोटि कोटि अभिनंदन। मैंने जिस पार्टी जो पार्टी छोड़ के आया हूं, मैंने उसको 27 साल अपनी सेवा दी, लेकिन वहां पे कार्यकर्ताओं का मान सम्मान अब कुछ नहीं बचा। तो मैं आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, जो पूरे विश्व के नेता हैं, अब मैं उस पार्टी में आया हूं और मैं मीडिया के सामने ये बोला, मैं कोई किसी पद की लालसा या कोई टिकट की लालसा से नहीं आया हूं। मैंने 27 साल इस पार्टी में संगठन को मजबूत करने का काम किया है और रिजल्ट भी दिया, लेकिन वहां काम का वैल्यू नहीं है। और मुझे लगता है कि यहां इस पार्टी में कार्यकर्ताओं के का वैल्यू है, काम का उनका मापदंड है। तो मैं आप सबों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि आप सबों ने मुझे इस परिवार में शामिल किया। आपको कोई अच्छा परिवार का, जो हम लोग ब्लू कार्ड बोलता हूं, आपका पिता कोई अच्छा परिवार को हो, दादा कोई अच्छा परिवार से है, जो मंत्री रहे, पहले विधायक रहे, सांसद रहे या मुख्यमंत्री रहे, तब भी आप टिकट मिल सकता है। तीसरा, आप टिकट मिल सकता है जब आप मोदी जी के लिए अभद्र भाषा का व्यवहार करते हैं। हर सभा में आप नरेंद्र मोदी जी के लिए अभद्र भाषा व्यवहार कीजिए, तब भी आपको टिकट मिल सकता है।